तो गाइस पूरे एमसीयू में अगर कोई मूवी है जिसने हम फैंस को दो पार्ट में बांट दिया तो वो मूवी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर बेस्ड है कॉमिक्स की सिविल वॉर और डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका स्टोरी लाइन पर, जिसमें जब गवर्नमेंट सुपर हीरोज पर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का प्रेशर डालती है तब एवेंजर्स दो पार्ट में बट जाते हैं। जो इस एक्ट के साथ होते हैं वो आयरन मैन की तरफ हो जाते हैं और जो इस एक्ट के खिलाफ होते हैं वो कैप्टन अमेरिका की तरफ हो जाते हैं, पर अंत में कहानी कुछ और ही निकलती है। तो गाइस आपका स्वागत है रोड टू इन्फिनिटी वॉर के 13th एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं 2016 में आई फेज 3 की फर्स्ट मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को डायरेक्ट किया है एंथनी और जो रूसो ने, जिन्हें जाना जाता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को डायरेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी भी रूसो ब्रदर्स ने ही डायरेक्ट करी है। इस मूवी का टोटल बजट था $250 मिलियन, जबकि इस मूवी ने कमाई करी $1.1 बिलियन की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8 out of 10 और इस मूवी को 81 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इस मूवी ने 16 अवार्ड्स जीते। ये फिल्म रिलीज हुई कैप्टन अमेरिका की 75th एनिवर्सरी और ब्लैक पैंथर की 50th एनिवर्सरी पर। साथ ही साथ साल 2016 ओरिजिनल सिविल वॉर कॉमिक की 10th एनिवर्सरी थी। मूवी में फाल्कन के पास एक ड्रोन होता है जिसे वो कहता है रेड विंग। मेनस्ट्रीम मार्वल कॉमिक्स में रेड विंग एक असली फाल्कन है जो कि सैम विल्सन की हेल्प करता है। मूवी के को डायरेक्टर जो रूसो के हिसाब से इस मूवी का सबसे पावरफुल शॉट ये था। इस शॉट को मूवी के पहले टीजर ट्रेलर में भी फीचर किया गया। इस शॉट के लिए क्रिस इवांस ने जिम में बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि वो लोगों को स्टीव रॉजर्स की स्ट्रेंथ की फिजिकल लिमिट दिखाना चाहते थे। पर इस शॉट के दौरान क्रिस इवांस के हाथों में चोट भी आ गई थी। क्रिस इवांस पहली कैप्टन अमेरिका मूवी के टाइम इस रोल को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे थे, पर अब जब उनसे इस रोल के बारे में पूछा जाता है तो उनके हिसाब से ये उनका अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। इस मूवी में स्पाइडरमैन के रोल को करने के लिए जिन फाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया गया था उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए उन्हें क्रिस इवांस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ अलग अलग स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा। हालांकि स्पाइडरमैन को मूवी से लगभग हटा ही दिया गया था, क्योंकि सोनी पिक्चर्स ओरिजिनली स्पाइडरमैन को एमसीयू में दिखाने से कतरा रहे थे, पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के क्रिटिकल रिस्पांस के बाद सोनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। ओरिजिनली इस मूवी में तचाला का बहुत छोटा रोल था, यहाँ तक कि हमें वो ब्लैक पैंथर कॉस्ट्यूम में भी नहीं दिखने वाले थे, पर जब मार्वल को लगा कि उनके हाथ से स्पाइडरमैन निकल रहा है तब उन्होंने तचाला का पार्ट बढ़ा दिया। पर अंत में स्पाइडरमैन एमसीयू में आ ही गया और बाद में तचाला और स्पाइडरमैन दोनों ही इस मूवी के इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। फिल्म मेकर्स के हिसाब से बकी बार्न्स एक डिवाइडेड कैरेक्टर बन चुका था, जो कि ना ही बकी था ना ही विंटर सोल्जर, वो इन दोनों के बीच में था, जिसकी पर्सनैलिटी का पार्ट माइंड कंट्रोल मर्डरर बन चुका था। इस मूवी की रिलीज के वक्त क्रिस इवांस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल्ड मूवी का बेस बनेगी, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर प्रीलूड कॉमिक से ये चीज प्रूव भी हो गई। मूवी में हमें पता चलता है कि बकी बार्न्स ब्यूकारेस्ट में छुपा हुआ होता है, जो कि रोमानियन सिटी का कैपिटल है। बकी बार्न्स का रोल प्ले कर रहे सेबेस्टियन स्टैन रोमानियन अमेरिकन है और इसीलिए मूवी में हमें वो रोमानियन बोलते हुए दिखाई दिए। कई फैंस के हिसाब से इस मूवी का थीम पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, पर ओरिजिनली ये मूवी बिट्रेयल यानी धोखे पर बेस्ड है, जिसका रिजल्ट हमें मूवी के फाइनल एक्ट में दिखता है। कॉमिक्स में सिविल वॉर स्टोरी लाइन के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है मिरियम शार्पे। इस मूवी में मिरियम शार्पे का रोल प्ले किया है एल्फ्रेड वुडार्ड ने। एल्फ्रेड वुडार्ड को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सजेस्ट किया था, पर असली कंफ्यूजन यहाँ ये हुई कि एल्फ्रेड वुडार्ड साल 2016 में ही ल्यूक केज में एक बड़े पार्ट में दिखी और ल्यूक केज एमसीयू का हिस्सा है। मूवी में जीमो के फोन में उसकी वाइफ की आवाज को प्रोवाइड किया है एंथनी रूसो की वाइफ एन रूसो ने। मूवी में पेगी कार्टर के फ्यूनरल में शैरन कार्टर जो स्पीच देती है, ये स्पीच ली गई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 537 से, जिसमें ये स्पीच कैप्टन अमेरिका ने दी थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पर्सनल टेलर एरिक ओरम ने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की फाइट के लिए आयरन मैन को ऐसा दिखाने को बोला कि ऑडियंस को लगे कि आयरन मैन कम से कम फोर्स यूज कर रहा है, ना कि आयरन मैन पागल होकर सबको जान से मारने लगे। जब मूवी का प्रोडक्शन खत्म हुआ तब विंटर सोल्जर का रोल प्ले कर रहे सेबेस्टियन स्टैन और फाल्कन का रोल प्ले कर रहे एंथनी मैकी ने अपने अपने सुपर हीरो सूट्स में रेस लगाई। तो गाइज ये थे कुछ जबरदस्त फैक्ट्स। ये मूवी ऑसम थी, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड तो प्लीज मेरे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि इस मूवी में आपका फेवरेट सीन कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज़ और ऑसम सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप एवेंजर्स को कॉमिक में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी कॉमिक बुक रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।